कानपुर में अमेठी सांसद केएल शर्मा की एंट्री से हड़कंप। जिस ब्लॉक से स्मृति ईरानी ने किया था किनारा, उसे किशोरी लाल का सहारा। विकास के लिए संकल्प और सरकार पर सादा निशाना। अमेठी हाई प्रोफाइल सीट से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने भाजपा का काकस तोड़ना शुरू कर दिया है। 10 साल केंद्रीय मंत्री रहते हुए स्मृति ईरानी बल्दी राय ब्लॉक एक बार फिर झांकने नहीं पहुंची, लेकिन सांसद किशोरीलाल शर्मा शनिवार को ब्लॉक पर पहली बार क्षेत्र पंचायत की बैठक में शामिल हुए, जिससे भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। यहां बैठक को संबोधित करते हुए सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा, हिंदुस्तान की उन्नति करना है तो पंचायती राज को मजबूत करना होगा, क्योंकि पंचायती राज एक ऐसा विभाग है जिसमें जनता का प्रधान व बीडीसी से सीधा जुड़ा होता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश गांव में बसता है। भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, हम बहुत बड़े बड़े हाईवे बना दें, अगर गांव का विकास नहीं होता तो विकास के कोई मायने नहीं है। गांव अगर विकसित हो जाएंगे तो आम आदमी गांव में रहना पसंद करेगा। वहीं किशोरीलाल शर्मा ने पेपर लीक के सवाल पर सरकार को घेरा और युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। तो अच्छा लगा कि एक ही बार में तेजी से हमारे प्रधान लोगों से मेरे को उनका दर्शन लाभ करने का मौका मिला, क्योंकि ये छोटी मीटिंग विकास की होती है तो इससे बहुत चीजें हम लोगों को पार्लियामेंट तक उठाने में मदद मिलती है, क्योंकि आप हम जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें होती हैं वो तो ग्राम प्रधान के माध्यम से ही नीचे तक जाती है। तो आपकी जो कठिनाइयां हैं यहाँ पर, वास्तविक रूप से जो कठिनाइयां आपको आती हैं, शायद जो आईएएस स्कीम बनाता है उसको शायद उसका क्रियान्वयन किस तरह होता है वो प्रधान के अलावा कोई जानता नहीं। तो आपसे क्योंकि मैं मिलता रहता हूं लोगों से, तो हम अभी क्योंकि आपने सांसद बनाया मेरे को, तो मैं भी अब मेरी व्यवहार में दम है, तो अभी पंचायती राज पे कुछ संशोधन करने की बात होगी या आप लोगों का ये होगा, क्योंकि मैं अभी पीछे वहां पे संसद में क्योंकि अभी 2-3 दिन ही हुए हम लोगों को, तो लेकिन मैंने देखा दूसरे संसद सदस्यों को शुरू से मैंने सीखा भी किस तरह हम लोगों को पंचायती राज के ऊपर हम अगर सही मामले में अगर हिन्दुस्तान की उन्नति करनी है तो पंचायती राज को मजबूत करना होगा, क्योंकि पंचायती राज एक ऐसा है कि जिसके अंदर तमाम जनता से जुड़ाव होता है। तो आप लोगों का बीडीसी और ग्राम प्रधान का सबसे पहला जनता से जुड़ा होता है, उसके बाद जिला पंचायत आएगा, उसके बाद प्रमुख आएंगे, उसके बाद फिर मतलब एमएलए आएंगे, एमएलसी आएंगे, फिर सांसद आता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे कठिन चुनाव अगर पंचायती सिस्टम में होता तो प्रधान और बीडीसी का होता। और आप लोग आपके हम होते कम होते हैं लेकिन आपके व्यवहार ज्यादा चलता है उसके अंदर, तो जितने भी प्रधान हैं कोशिश करते हैं कि अपने व्यवहार से अपने गांव के अंदर कुछ बिगाड़ ना पैदा करें, तो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संसाधन तो उतने हैं नहीं कि जिससे कि सबको खुश रख सके। तो फिर विरोध होता है, तो विरोध होता है तो ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचनी चाहिए, अगर प्रधानों को मजबूत करेंगे तो ही सही रूप से विकास हो पाएगा, गांव का विकास हो पाएगा, क्योंकि तो हमारा देश गांव के अंदर बसता है। हम बहुत बड़े बड़े हाईवे बना दें, ये बना दें, लेकिन अगर गांव का विकास नहीं होता तो फिर कोई विकास के माने नहीं। तो पहले गांव विकसित जब हो जाएंगे, रोड से जुड़ जाएंगे, तो आम आदमी भी फिर गांव में रहना भी पसंद करेगा। जो शहरों के ऊपर बोझ रहता है वो इसलिए रहता है कि ग्राम सभाएं हमारी उन्नत नहीं है। गांव में भी अगर 24 घंटे बिजली हो तो कौन शहर के एक छोटे से कमरे में रह पाता है। तो ये सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको आप लोग चुनके भेजते हो जनप्रतिनिधियों का, आप अपने स्तर पर करते हैं, हम लोगों को भी ये हमारा भी दायित्व है कि जो आपकी आवाज हो हम इसको भी उचित माध्यम से वहां पे रखें जिस पंचायत में हम लोग बैठते हैं। आप ग्राम पंचायत में बैठते हो तो हम हिंदुस्तान की पंचायत में बैठते हैं, तो आपका दुख दर्द जो है ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहां पे आप लोगों की आवाज उठाऊं। आप ये रहिए क्योंकि सांसद तो मैं आज बन गया, लेकिन 40 साल से मैं अमेठी रहती थी, लोगों की सेवा की, प्रधानों से भी बीडीसी सबसे मेरा वास्ता रहता था, तो मेरे को संज्ञान है,
मैं कभी इलेक्शन कभी नहीं लड़ा, लेकिन पहला लड़ा तो हिंदुस्तान की पंचायत के लिए लड़ा और आप लोगों ने मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और मैं उसी का है रूप है कि मैं उसके अंदर आपके वोट से मैं जीत के यहां पर गया। तो मैं बराबर जब भी शिव कुमार जी का आदेश होगा तो भी एक चेयरमैन है यहां पे तो बिना इनकी अनुमति तो वहां भी मुश्किल हो जाएगा, तो फिर बुलाते रहेंगे। क्षेत्र पंचायत की बैठक ब्लॉक प्रमुख बल्दी राय शिव कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मनरेगा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचम आयोग योजना, सभी प्रकार के पेंशन, कृषि रक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना, ग्रामीण पशुपालन, स्वच्छ भारत मिशन, शिक्षा विभाग से संचालित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, बाकी ग्राम सभा के प्रधानों से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि दो चीज के काम हमारे बीच में बहुत से ऐसे फोन आते हैं कि भैया मुझे कॉलोनी नहीं मिली, किसी को 5 मिले, किसी को 1 भी नहीं मिली। तो ये सूचनाएं हम अपने सारे ग्राम विकास अधिकारी से हमारे वीडियो साहब से भी आग्रह करते हैं क्योंकि अभी नहीं आए हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जनपद इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह, सदस्य विधान परिषद शैलेंद्र सिंह, पूर्व कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह, ब्लॉक प्रमुख शागड़ सदाशिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर सुल्तानपुर के विकास का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।